संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता। भगवान शिव की श्रेष्ठता तथा उनके पूजन की अनिवार्य आवश्यकता का प्रतिपादन। नारद जी बोले, ब्राह्मण प्रजापते, आप धन्य हैं क्योंकि आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। विधे, आप पुनः इसी विषय का सम्यक प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, तात, एक समय की बात है, मैं सब ओर से ऋषियों तथा देवताओं को बुला करके उन सब को क्षीर सागर के तट पर ले गया, जहाँ सबका हित साधन करने वाले भगवान विष्णु निवास करते हैं। वहाँ देवताओं के पूछने पर भगवान विष्णु ने सबके लिए शिव पूजन की ही श्रेष्ठता बतला करके ये कहा कि एक मुहूर्त या एक क्षण भी जो शिव का पूजन नहीं किया जाता वही हानि है, वही महान छिद्र है, वही अंधापन है और वही मूर्खता है। जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर हैं, जो मन से उन्हीं को प्रणाम और उन्हीं का चिंतन करते हैं, वे कभी दुख के भागी नहीं होते। भाव भक्ति परा ये चे भाव प्रणत चेतसा भाव संस्मरना चे ये चे नाते दुखस्य भाजना। जो मन से जो महान सौभाग्यशाली पुरुष मनोहर भवन सुंदर आभूषणों से विभूषित स्त्रियों जितने से मन को संतोष हो उतना धन पुत्र पौत्र आदि संतति आरोग्य सुंदर शरीर अलौकिक प्रतिष्ठा स्वर्गीय सुख अंत में मोक्ष रूपी फल अथवा परमेश्वर शिव की भक्ति जाते हैं, वे पूर्व जन्म के महान पुण्य से भगवान सदा शिव के ही पूजा अर्चा में प्रवृत्त होते हैं। जो पुरुष नित्य भक्तिप्रायण होकर के शिवलिंग की पूजा करता है उसको सकल सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं तथा वह पापों के चक्कर में नहीं पड़ता। भगवान जी के इस प्रकार उपदेश देने पर देवताओं ने उन श्री हरि को प्रणाम किया और मनुष्यों की समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए उनसे शिवलिंग देने के लिए प्रार्थना की। मुनिश्रेष्ठ, उस प्रार्थना को सुनकर के जीवों के उद्धार में तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा को बुला करके कहा, विश्वकर्मन, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण देवताओं को सुंदर शिवलिंग का निर्माण करके दो। तब विश्वकर्मा ने मेरी और श्री हरि की आज्ञा के अनुसार उन देवताओं को उनके अधिकार के अनुसार शिवलिंग बना करके दिए। मुनिशेष नारद, किस देवता को कौन सा शिवलिंग प्राप्त हुआ इसका वर्णन आज मैं कर रहा हूं, उसे सुनो। इंद्र पद्मराग मणि के बने हुए शिवलिंग की और कुबेर स्वर्ण में लिंग की पूजा करते हैं। धर्म पीत मणि में अर्थात पुखराज के बने हुए लिंग की तथा वरुण श्याम वर्ण के शिवलिंग की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु इंद्र नील में तथा ब्रह्मा हेम में लिंग की पूजा करते हैं। मुनि विश्व देवगण चांदी के शिवलिंग की, वसुगण पीतल के बने हुए लिंग की तथा दोनों अश्विनी कुमार पार्थिव लिंग की पूजा करते हैं। लक्ष्मी देवी स्फटिक में लिंग की, आदित्यगण ताम्र में लिंग की, राजा सोम मोती के बने हुए लिंग की तथा अग्निदेव वज्र अर्थात हीरे के लिंग की उपासना करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण और उनकी पत्नियां मिट्टी के बने हुए शिवलिंग की, मयापुर चंदन निर्मित लिंग का और नागगण मूंग के बने हुए शिवलिंग का आदर पूर्वक पूजन करते हैं। देवी मक्खन के बने हुए लिंग की, योगी जन भस्म में लिंग की, यक्षगण दधि निर्मित लिंग की, छाया देवी आटे से बनाए हुए लिंग की और ब्रह्म पत्नी रत्न में लिंग की निश्चित रूप से पूजा करती। बाणासुर पारद या पार्थिव लिंग की पूजा करता है, दूसरे लोग भी ऐसा ही करते हैं। ऐसे ऐसे शिवलिंग बना करके विश्वकर्मा ने विभिन्न लोगों को दिए तथा वे सब देवता ऋषि उन लिंगों की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु ने इस तरह देवताओं को उनके हित की कामना से शिवलिंग दे करके उनसे तथा मुझे ब्रह्मा से पिनाक पानी महादेव के पूजन की विधि भी बताई।
पूजन विधि संबंधी उनके वचनों को सुनकर के देव शिरोमणियों सहित मैं ब्रह्मा हृदय में हर्ष लिए अपने धाम में आ गया। मुने, वहां आकर के मैंने समस्त देवताओं और ऋषियों को शिव पूजा की उत्तम विधि बताई जो संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली है। उस समय मुझे ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं सहित समस्त ऋषियों, तुम प्रेम प्रायण होकर के सुनो, मैं प्रसन्नता पूर्वक तुमसे शिव पूजन की उस विधि को वर्णन करता हूँ जो भोग और मोक्ष देने वाली है। देवताओं और मनुष्यों, समस्त जंतुओं में मनुष्य जन्म प्राप्त करना प्रायः दुर्लभ है, उनमें भी उत्तम कुल में जन्म तो और भी दुर्लभ है। उत्तम कुल में भी आचारवान ब्राह्मणों के यहाँ उत्पन्न होना उत्तम पुण्य से ही संभव है। यदि वैसा जन्म सुलभ हो जाए तो भगवान शिव के संतोष के लिए उस उत्तम कर्म का अनुष्ठान करें। जो अपने वर्ण और आश्रम के लिए शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित है, जिस जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसके उल्लंघन नहीं करें। जितनी संपत्ति हो उसके अनुसार ही दान करें। कर्म में शास्त्रों यज्ञों से तपो यज्ञ बढ़कर है। शास्त्रों तपो यज्ञों से जप यज्ञ का महत्व अधिक है। ध्यान यज्ञ से बढ़कर के कोई वस्तु नहीं है। ध्यान ज्ञान का साधन है, क्योंकि योगी ध्यान के द्वारा अपने इष्ट देव समरस शिव का साक्षात्कार करते हैं। ध्यान यज्ञत परम न अस्ति ध्यानम ज्ञानस्य साधनम यत समरसम स्वेष्टम योगी ध्यानेन पश्यति। ध्यान यज्ञ में तत्पर रहने वाले उपासक के लिए भगवान शिव सदा ही सन्निहित है। जो विज्ञान से संपन्न हैं, उन पुरुषों की शुद्धि के लिए किसी प्राश्चित आदि की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को जब तक ज्ञान की प्राप्ति ना हो तब तक वह विश्वास दिलाने के लिए कर्म से ही भगवान शिव की आराधना करे। जगत के लोगों को एक ही परमात्मा अनेक रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है। एकमात्र भगवान सूर्य एक स्थान में रहकर भी जलाशय आदि सभी विभिन्न वस्तुओं में अनेक से दिखते हैं। देवताओं, संसार में जो जो सत्य या असत्य वस्तु देखी या सुनी जाती हैं वे सब पर ब्रह्म शिव रूपी हैं, ऐसा समझो। जब तक तत्व ज्ञान ना हो तब तक प्रतिमा की पूजा अवश्य है। ज्ञान के अभाव में भी जो प्रतिमा पूजा की अवहेलना करता है उसका पतन निश्चित है। इसलिए ब्राह्मणों, ये यथार्थ बात सुनो, अपनी जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसका प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। जहाँ जहाँ यथावत भक्ति हो उस आराध्य देव का पूजन आदि अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पूजन और दान आदि के बिना पातक दूर नहीं होते हैं। यत्र यत्र यथा भक्ति कर्तव्यम पूजन आदिकम बिना पूजन दान आदिम पातकम नाच दूरता। जैसे मैले कपड़ों में रंग बहुत अच्छा नहीं चढ़ता है, किंतु जब उसको धोकर के स्वच्छ कर लिया जाता है तब उस पर सब रंग अच्छी तरह चढ़ते हैं। उसी प्रकार देवताओं की भली भांति पूजा से जब त्रिविध शरीर पूर्णता निर्मल हो जाता है तभी उस पर ज्ञान का रंग चढ़ता है और तभी विज्ञान का प्राकट्य होता है। जब विज्ञान हो जाता है तब भेदभाव की निवृत्ति हो जाती है। भेद की संपूर्णता निवृत्ति हो जाने पर द्वंद दुख दूर हो जाते हैं और द्वंद दुख से रहित पुरुष शिव रूप हो जाता है। मनुष्य जब तक गृहस्थ आश्रम में रहे तब तक पांचों देवताओं की तथा उनमें श्रेष्ठ भगवान शंकर की प्रतिमा का उत्तम प्रेम के साथ पूजन करे, अथवा जो सबके एकमात्र मूल हैं उन भगवान शिव की ही पूजा सबसे बढ़कर है, क्योंकि मूल के सींचे जाने पर शाखा स्थानीय संपूर्ण देवता सदा तृप्त हो जाते हैं। अतः
जो संपूर्ण मनोवांछित फलों को पाना चाहता है वे अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रह करके लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पूजन करें।